आइकिया के कैबिनेट्स को जब हम वॉल पे हैंग करते हैं तो उसके लिए हमने कैबिनेट की साइड में पहले से एक ब्रैकेट लगा लिया है। उसके लिए जी ये रेल है ये वॉल में फिक्स होती है। इसका जो वॉल पे होल है कितने पे होना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस रेल को हमने पहले इस कनेक्टर में यहाँ फिट कर लेना है एक बार। तो ये पोजीशन बनती है जब दीवार पे ऐसा लगना होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो रेल होती है इसका डिस्टेंस यहाँ से कैबिनेट के टॉप एज से यहाँ आपका 40 mm होता है। तो ध्यान रखें कि आप दीवार पे ऊपर टॉप एज पे निशान लगा लें और उसके बाद ठीक 40 पे लगा लें, फिर आपने वाटर लेवल से करते हुए इसको दीवार फिक्स कर लेना है। तो आइए आप भी इसको दीवार पे कैसे फिक्स करते हैं और कैसे हम वाटर लेवल लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम वॉल कैबिनेट लगा रहे हैं और हमने अपना बॉटम एरिया ले लिया जहाँ से आपका कैबिनेट शुरू होने वाला है, वॉल की जस्ट ऊपर से। तो इस एज से हमारे कैबिनेट का जो भी साइज होता है, अभी हमारे पास जो कैबिनेट का साइज है वो हमारा 800 mm है। तो हम कैबिनेट के 800 के एज पे निशान लगा लेने, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उससे नीचे 40 mm पे आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारी रेल आती है, तो अभी हम रेल को लगा के दिखा लेते हैं, देख लेते हैं रेल को लगा के इसका सेंटर क्या आना चाहिए। तो हमने ऊपर से कैबिनेट के टॉप एज लिया, उसके नीचे हमने 40 मार्क किया और फिर हमने यहाँ पे इसका सेंटर मार्क कर लिया, तो यहाँ निशान आ गया। तो अब इसमें हम यहाँ पे पंच करके इसके लिए होल कर में होल करने के लिए आपको इस तरह का पीवीसी इंसर्ट चाहिए जिसकी जो लेंथ है ये 50 mm है। उसके लिए आपको ये स्क्रू चाहिए होता है। तो हम देख लेते हैं कि दीवार में हमने पहले से निशान लगा लिया, और आपको 10 mm का ड्रिल बिट चाहिए और हैमर मशीन के पास, राइट 10 mm है। इसके लिए हमने ऑलरेडी वो निशान लगा रखे, इसमें होल करके देख लेते हैं। तो हम दीवार में होल कर लेते हैं अभी। तो ये रेलिंग को लगा लेते हैं, उसके साथ ये जो क्लिप है जो लगती है जिससे हम कैबिनेट की हाइट को 5 mm अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पे जहाँ पे हमने होल किया हुआ है, इंसर्ट लगाई हुई है, वहाँ पे हम इसको करके और टाइट कर देते हैं।